प्यारा स्टफिंग, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए वीडियो चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप वर्मा, बोसर बॉय यूट्यूब चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। आज मैं हूँ घर पर, जैसे पता है कि मार्केट में लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह सब कुछ ठंडा ठंडा हो चुका है, तो मैं घर पे हूँ। आज देहाती टाइप में अभी बन रहा है अभी हमारे यहाँ पे सत्तू भर का लिट्टी। तो आपको सीन दिखाते हैं स्टार्टिंग से कैसा क्या हो रहा है प्रोसेस, बने वीडियो के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो एक बार वॉच कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, कमेंट करें। पा रहे हैं अभी इसके अंदर ये सत्तू दिख रहा है, प्लस में अभी इसके अंदर अदरक डाला हुआ है, मिर्ची है और थोड़ा सा कांदा डाला हुआ है, मतलब प्याज। ठीक है, अब ये सबको मिक्स कर और थोड़ा सा इसके अंदर राई तेल डालेंगे मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग है, तो एक बार थोड़ा मसाला रेडी हो जाए तो फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे देख सकते हो, धनिया का पत्ता अभी कटिंग कर डाल जा रहा है, बाद में पूरे को एक साथ मिक्स कर देंगे। ये जो सत्तू है, सत्तू बनता है चना से, चना जो फ्राई करने के बाद उसको मिक्सर में ग्रेन करेंगे आप, तो एक आटे के सरीका मतलब बन जाएगा, तो वह उसे सत्तू हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। ठीक है, अगर आपके यहाँ कुछ अलग लैंग्वेज में बोलते होंगे तो आइडिया नहीं। ठीक है, इसे देख पा रहे हो आप, तो अब इसे हम बनाएंगे जैसे कि गाँव में बनता है, गाँव में जो बनता है वो बनता है कोयले पे, लेकिन हम कोयले पे नहीं बनाएंगे, हम गैस पे ही बनाएंगे और नए स्टाइल से। जैसे देख पा रहे हो साँचा इसका है, इसी के अंदर इसे पूरी तरह भुना जाएगा। अभी अभी एक बार रेडी हो जाए, फिर जो इसका प्रोसेस है वो भी आपको हम दिखाएंगे, बना रहो वीडियो के साथ। बाद में चेंजेस के लिए थोड़ा नींबू डाल दे रहे हैं, अब इसे आम का अचार भी है मिक्स करने के लिए, थोड़ा स्वाद आने के लिए। ये सब डालने पर क्या होता है, इसको मिक्स करने के बाद एक अलग सा टेस्ट आपको जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसे फिर हाथों के द्वारा आप मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद वह उसका जो पूरा जो भी, जैसे आपने नींबू डाला, प्लस आम का अचार है, प्लस जो आपने कांदे वगैरह कट करके डाले हैं, धनिया पत्ता डाला है, अदरक डाला है, वो पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अलग ही स्वाद इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बस अब फटाफट रेडी होता है, उसको एकदम बस तो बना के इसके ऊपर हम डालते हैं। अब फिर आपको सीन दिखाते हैं किस तरह पकता है, तो आप लास्ट तक बने रहो वीडियो के साथ। स्टफिंग चालू है, जैसे बोला जाता है, जो आटे का जो लोया है उसमें एक चम्मच के हिसाब से, जो भी एक अपने अंदाज के हिसाब से आप डाल सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा किसी को ज़्यादा खाने का चॉइस होता है तो ज़्यादा डालता है, किसी को कम खाने का चॉइस होता है तो कम डालता है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और सेम ऐसा लोया आपको तैयार करना है, और उसके बाद जो मैंने बताया आपको साँचा, अभी फ़िलहाल में एक अभी शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये शुरुआत हुआ है स्टफिंग, देख पा रहे हो आप, अभी स्टार्टिंग है। और उसे फिर ये साँचे में, ये साँचे में इस प्रकार का डाल देना है। ठीक है, तो अभी दिखाएंगे आपको वो भी चीज़, बने रहो वीडियो के साथ में। ठीक है, देखो इस प्रकार से भरा जा रहा है, देख सकते हो, घर पे भी आप बना सकते हो। और आप अगर गांव यूपी बिहार साइड से हैं तो आपको सबको पता ही होगा कि घर घर में यह बनता ही है, और वहाँ के सबसे फेवरेट और सबसे मेन भोजन है यह। ठीक है, मेन भोजन भी कह सकते हैं इसे। इतना प्यारा स्टफिंग, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए वीडियो अच्छा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। प्रकार से इसको देख सकते हो, पक रहा है मस्त, अच्छा खासा, इस प्रकार का देख सकते हो किस तरह से हम पकने, मतलब एक जो एक तरफ से पक चुका है, अभी थोड़ा लाल हो चुका है, अभी इसको थोड़ा एक दो बार और पलटेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे रेडी है, देखो इस प्रकार का रेडी, और इधर पे आलू टमाटर का जो मतलब एक चोखे की तरफ से, और सिंगदाने की चटनी भी है साथ में खाने के लिए। तो हम तो चले खाने के लिए, अभी आप बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो बस यहीं तक, यही नहीं, ये रेडी हो चुका है, देख सकते हो रेडी एकदम मस्त यार। तो इसको हम घी में, इस पर घी लगाया हुआ है। ठीक है, और उधर सिंगदाने की चटनी, अब इधर आलू टमाटर का चटनी की तरफ समझिए, ये सब है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन। तो हम फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप भी अपना एंजॉय करिए, और घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। आप चाहेंगे तो इसे आप कोयले का आग जो होता है ना, उसके ऊपर ये पकाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन आपको उस पर लगेगा।
अगर उस पर आप बनाते हो तो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।